मैं संदीप और मेरा YouTube चैनल संदीप टेक में आपका स्वागत है। आज चलिए एक्सेल में आपको हम बहुत खास चीज बताने वाले हैं, किस तरह से आप ऐसा फॉर्म का यूज कर सकते हैं एक्सेल में जो आपको कोई नहीं बताता होगा। एक जगह हमने काम करने के लिए गए थे ये कॉलेज में, तो वहां पर देखे बहुत सारा फॉर्म है, इंटर फॉर्म देख देखे एक्सेल में एंट्री कर रहे, तब हमने ये फॉर्म का है तो यूज बता रहे हैं कि किस तरह से आप फॉर्म का एक फॉर्मेट बना लीजिएगा और अपनी डेटा को देखते जाइए और वहां फिलअप कीजिए, एंटर कीजिए, एंट्री हो जाएगा। वीडियो आपका इंटरेस्टिंग होने वाला, स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं, आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। चलिए किस तरह से हम यूज करते हैं फॉर्म का, चलिए लेकर चलते हैं। हेलो दोस्तों, आज आप लोग को हम एक्सेल में बता रहे हैं कि किस तरह से आप डाटा एंट्री कर सकते हैं किसी भी तरह का। तो डाटा एंट्री करने के लिए हम क्या करते हैं कि देखिए, यहाँ पर हम शीट बनाने के काम करते हैं, जैसे इसमें हम सीरियल नंबर लिखते हैं, सीरियल नंबर के बाद स्टूडेंट्स नेम लिखते हैं, स्टूडेंट नेम के बाद फादर्स नेम लिखते हैं, स्टूडेंट नेम के बाद फादर्स नेम लिखते हैं, फादर्स नेम के बाद मदर्स नेम लिखते हैं, उसके बाद आप जेंडर लिख दीजिए, जेंडर के बाद ऐसे क्लास लिख दीजिए, क्लास के बाद डेट ऑफ बर्थ लिख दीजिए, उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, ठीक है, और इसका डिटेल्स आपको जो भी एंट्री करना होगा आप वो कर सकते हैं, जैसे उसका सब्जेक्ट कौन सा है, ऑनर्स सब्जेक्ट आप लिख दीजिए, ठीक है, उसके बाद ऐसे उसका एड्रेस लिख दीजिए, एड्रेस के बाद कॉन्टेक्ट नंबर लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए, इस तरह का डाटा तो आप सिंपल कहीं भी आप तैयार कर सकते हैं, इसके लिए क्या कर रहे हैं हम, जो डाटा बता रहे हैं वो है तो बहुत ही यूनिक आपको डिजाइन बनाने के लिए बता रहे हैं, यूनिक डिजाइन आप डाटा एंट्री कर सकते हैं किस तरह से आसानी से काम करेंगे, और वो भी ऐसा आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। चलिए देखिए, हम यहाँ पर है सो सभी को एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप कॉलम्स के विड्थ में आप ऐसा डबल क्लिक कीजिएगा तो ऑटो फिट भी हो जाएगा, देखिए। अब ऊपर का आप यहां से यहां लेते हैं इसको और सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर देखिए मार्जिन सेंटर करेंगे, मार्जिन सेंटर करने के बाद आप क्या करेंगे, यहां पर है तो लिख देते हैं स्टूडेंट्स एडमिशन डिटेल्स, ठीक है, और इसे सेलेक्ट करके इसका फॉन्ट को बड़ा बोल्ड करते हैं और ग्रो कर देते हैं, और इसका शेडिंग कलर हम डाल देते हैं, ठीक है। इसे सेलेक्ट कीजिएगा, जो हमारा सब हेडिंग है इसे सेंटर अलाइन कीजिए, मिडिल अलाइन, ये बढ़िया रहेगा। उसके बाद आप क्या कीजिए कि पूरा बॉर्डर आप डाल दीजिए सेलेक्ट करके। अब आते हैं मेन काम कि हम करेंगे कैसे, इसके लिए क्या कर रहे हैं कि हम यूज फॉर्म करने का काम करेंगे। फॉर्म जो है तो यहां पर आपको एक्टिवेट करना है, पहले फॉर्म एक्टिवेट करने के लिए आपको क्या करना है, देखिए इस जगह पर होम टैब में यहां पर खाली जगह है, इसमें आपको राइट क्लिक करना है और यहां पर देखिए कस्टमाइज द रिबन है, इसमें आपको क्लिक करना है। कस्टमाइज द रिबन में जैसे क्लिक कीजिएगा, यहां पर देखिए पॉपुलर कमांड है, पॉपुलर कमांड में क्लिक करके ऑल कमांड कर दीजिएगा। ऑल कमांड करने के बाद आप यहां पर स्क्रॉल करते जाइएगा नीचे, और इस जगह पर आप देखिएगा कहां पर आपका फॉर्म लिखा हुआ है, ठीक है, तो ऐप का सीरीज में आइएगा, तो ऐप से आपका है सब फॉर्म का, देखिए इस जगह पर आपका है फॉर्म मिल गया, फॉर्म एड कीजिएगा यहां पर, ठीक है। एक टाइप बना देते हैं इसका न्यू ग्रुप, ठीक है, न्यू ग्रुप बना लेते हैं, जैसे यहां पर एडिटिंग आपका है, एडिटिंग के जगह यहां पर एक फॉर्म का टैब बनाते हैं, न्यू ग्रुप लिए, देखिए यहां पर न्यू ग्रुप आ गया, राइट क्लिक करके रिनेम कर दीजिएगा, और यहां पर हम उसका फॉर्म लिख देते हैं, ठीक है, और ओके कर दीजिएगा, देखिए फॉर्म आ गया। फॉर्म में आप इस फॉर्म को सेलेक्ट करके एड कीजिएगा, देखिए फॉर्म यहां पर आ गया, और ओके कर दीजिए, तो देखिए यहां पर हमारा एक फॉर्म आ गया। अब यहां पर देखिए, अब एंट्री करना हम शुरू करते हैं,
एंट्री करने के लिए आपको क्या करना है, तो जैसे यहाँ पर आपको काउंट लिखना है, तो वन इंटर टू इंटर इस तरह से करते हैं और दो सेलेक्ट को, दोनों सेल को सेलेक्ट करके और यहां से डेपेंड ड्रैग करते हैं तो कॉन्टेक्ट इसका लिखते हैं। इतना आपको नहीं करना है, आपको सिर्फ करना क्या है कि वन लिखिए, ठीक है। वन लिखने के बाद कंट्रोल बटन दबा के इसका आप डेपेंड ड्रैग लीजिए एंड खींचिए, आपका कॉन्टेक्ट लिख देगा सिर्फ कंट्रोल बटन दबा के, ठीक है। अब हम यहाँ पर किसी भी स्कूल कॉलेज का जो भी काम कर रहे हैं इसका एडमिशन का, तो इसका हेडिंग हम सेलेक्ट करेंगे, देख लीजिए कहां से स्टूडेंट नेम से हम यहाँ सेलेक्ट करें कॉन्टेक्ट नंबर तक, और यहाँ पर फॉर्म में क्लिक करेंगे। फॉर्म में जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन आपको देगा, ओके कीजिएगा। जैसे ओके कीजिएगा यहाँ पर देखिए फॉर्म में जितने हमने हेडिंग लिखे थे वो सारा शो कर जाएगा जो सेलेक्ट किए थे। अब यहाँ पर सिर्फ आपको नाम लिखना है, जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं रमेश कुमार, टैब बटन दबा के इसका फादर्स नेम लिखेंगे, कृष्णवर महतो मदर्स नेम लिखेंगे, ठीक है। जेंडर जो लिखना है आप वो लिख दीजिए, क्लास कौन सा है वो लिखिए, जैसे हम टेंथ क्लास का लेते हैं, और डेट ऑफ बर्थ इसका लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिख दीजिए, ऑनर सब्जेक्ट इसका जो भी होगा जैसे हम मान लीजिए हिंदी, और इसका एड्रेस हम मान लेते हैं बरकागांव, एंड कॉन्टेक्ट नंबर जो भी होगा कॉन्टेक्ट नंबर आप टाइप कर दीजिएगा एंड इंटर कीजिएगा। जैसे इंटर कीजिएगा देखिए यहाँ पर आपका एंट्री हो गया। इसी तरह से आपको क्या है कि जितने भी आपके पास फॉर्म रहेगा सभी फॉर्म पर आपको लेते जाना है और यहाँ पर स्टेप से डालते जाएंगे। जैसे हम फिर दूसरा लेते हैं, नाम लिखते हैं राधिका कुमारी लिखे, हम टाइप बटन दबाइएगा आगे जाएगा, डेट ऑफ बर्थ जो होगा डेट ऑफ बर्थ आप दे दीजिए, टैब बटन आगे दबाते जाइएगा, गांव का नाम एंड मोबाइल नंबर आप डाल दीजिए, ठीक है, एंड फिर ओके कीजिएगा, देखिए फिर यहां पर एंट्री हो जाएगा। इस तरह से क्या है कि आपको डाटा एंट्री करना बहुत ज्यादा आसानी होगा ये फॉर्म का आप यूज करके, ठीक है। फॉर्म का यूज कीजिएगा, उसके बाद आप कहीं भी स्पीड में काम कीजिए, देते जाइए एंट्री करते जाइए, आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, फिर इसी तरह का न्यू ट्रिक वीडियो आपके सामने हम अगला लेके आ रहे हैं। यदि हमारे चैनल में नया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें। चलिए फिर मिलते हैं दोबारा, जय हिंद जय भारत।